यह लड़का इस पुलिस वाले को क्यों मार देता है। दरअसल यह पुलिस वाला इस औरत को अपनी रखेल की तरह रखता है और इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। वो उसको कुछ पैसे भी देता है और ज़रूरत की चीज़ें भी देता है, जिससे वो औरत अपने बच्चे को खाना खिला सकती है। लेकिन यह बात उसके बेटे को पसंद नहीं होती है, तो वह अगले दिन से ही अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह एक कसाई की दुकान में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर खून देख कर के वह डर जाता है, तो वह और कई जगह पर जाकर के काम को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी काम नहीं देता। अंत में हार थक करके वह उसी कसाई की दुकान में ही काम करने लग जाता है। एक दिन जब वह लड़का अपने घर पर नहीं था और अपने काम कर रहा था, तो वह पुलिस वाला उसके घर पर आया होता है। जब उसका मन उस औरत से नहीं बढ़ता, तो वह बाहर आता है और उसकी लड़की से बोलता है कि तेरी माँ तुझे अंदर बुला रही है, और धोखे से उस लड़की को अंदर बुला लेता है। जैसे ही बेटी को माँ अंदर देखती है, तो वह पुलिस से मना करती है और बाहर से आकर उसका छोटा भाई दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है, लेकिन वह दरवाजे को नहीं खोल पाता और अंदर वो पुलिस वाला उस औरत के साथ मारपीट करने लग जाता है। इतनी ही देर में उसका बड़ा बेटा भी घर आ जाता है और अपने भाई से पूछता है कि क्या हो रहा है। भाई सारी बात उसे बताता है, तो वह दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ ज़मीन पर गिरी हुई है और वह पुलिस वाला उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। यह सब देखकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उस लड़के और पुलिस वाले के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, जिससे उसकी माँ भी उसकी हेल्प करती है। और जब पुलिस वाला बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है, तो वह लड़का सब्जी काटने वाला एक औजार लाता है और पुलिस वाले की गर्दन के नीचे रख देता है और पुलिस वाले के सिर पर एक लात मारता है, जिससे उसका सर कट करके अलग हो जाता है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।